हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गिटारिस्ट। एंड आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे जो भी हाफ कोड लगते हैं उसमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग हमारे म्यूट होती है, ठीक है। चाहे हमारा ऊपर बार में हो एफ कोड हो, या नीचे माइनर में हो, या हमारा ए कोड मेजर में हो नीचे, ठीक है। तो आज का लेसन उसी के ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी कर दो, जब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे लेसन लेके आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे वीडियो ज़्यादा लंबी ली है ज़्यादा छोटी होने वाली है, ठीक है। मिनिमम देखते हैं चलो कितनी बनेगी, ठीक है। मुझे तो पता नहीं अभी कितनी बनेगी। तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे हाफ कोड में कौन कौन सी स्ट्रिंग म्यूट होगी, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग कौन कौन सी म्यूट होगी और हमारी क्यों होगी, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊँगा साथ के साथ। तो हम पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर का मतलब हमारे बार कोड, ऊपर जो भी एफ हो गया हमारा, एफ शार्प हो गया, जी हो गया, जी शार्प हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर का बताऊंगा हमारी ऊपर की कितनी स्ट्रिंग म्यूट होगी। तो हमारी सबसे पहले ऊपर जो हम एफ कोड लगाएंगे, एफ कोड की शेप में जितने भी हमारे ऊपर कोड आएंगे, ठीक है, मेजर और माइनर, मेजर ये हो गया, माइनर ये हो गया, मेजर ये हो गया, माइनर ये हो गया, मेजर ये हो गया, माइनर ये हो गया, ठीक है। हम जितने भी ऊपर कोड लगाएंगे, अगर हमें इसको हाफ करना है तो हमारी जो सिक्स स्ट्रिंग है वो हमारी म्यूट हो जाएगी, ठीक है, एफ कोड के अंदर, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी म्यूट। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम इसको ओपन में बजाएंगे, ये आवाज सुन रहे हैं आप, तो हमारे एफ कोड में जी नोट नहीं आता, सॉरी ई नोट नहीं आता ओपन में, तो हमारा इसलिए ये म्यूट होता है। अब देखो कैसे साउंड आ रहा है, अब देखना कैसे साउंड आ रही है। बिगिनर्स को समझ में नहीं आएगी, जो एडवांस हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छा सा गिटार प्ले करना सीख लिया, उनको आता है, उनके कैचिंग पावर अच्छी होगी, तो उनको समझ में आ जाएगी कि ये ई की साउंड है और ये बहुत अजीब सी लग रही है इस कोड के अंदर, अगर हम म्यूट नहीं करेंगे तो हमारा ऊपर के कोड के अंदर इस हमारे इसमें म्यूट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे एफ के अंदर ई नोट नहीं आता, ठीक है। ये हो गया हमारा ई, ठीक है। ऊपर ऐसे ही चलेगा, मेजर हो या माइनर हो, ऐसे ही हमारा ये 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 ये, ठीक है। तो हमारे ऊपर जितने भी होगी सारी में ऊपर में म्यूट हो जाएगी, ठीक है, मेजर हो माइनर हो। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे हमारा लगता है ए कोड, ए एक्चुअली हम ए लगाते हैं ऐसे, हैं सॉरी हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, थीके? मैं एडवांस में लगाता हूँ, ठीक है, एडवांस में मैं ऐसे कोड लगाता हूँ ए। अगर आपको ये लेसन देखना है कि कैसे लगाएं वाला कोड, ये कैसे लगाएं, ये कैसे लगाएं, ठीक है, मैं ऐसे भी लगाता हूँ, मैं माइनर को ऐसे भी लगाता हूँ, मैं ऐसे भी लगाता हूँ, ठीक है। तो आपको आई बटन में लिंक शो रहा होगा, उसके थ्रू जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रोफेशनल तरीके से भी बताया मैंने उसके अंदर कि हम कैसे प्रोफेशनल तरीके से हम अपने कोड लगा सकते हैं। तो नीचे हमारा देख लेते कैसे आएगा, तो नीचे हमारा आएगा ए, ठीक है। उसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग म्यूट होगी, हमारी दो स्ट्रिंग म्यूट होगी, ठीक है, नीचे के कोड में, जो कि हमारा ए शेप में जितने भी हमारे सी सारे नीचे हैं उनमें ए शेप के अंदर हमारी दो स्ट्रिंग म्यूट होगी। कौन कौन सी? फिफ्थ और सिक्स्थ। क्यों? क्योंकि हमारा ए कोड के अंदर या ए शार्प कोड, ए कोड तो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ए कोड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ए कोड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ए कोड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ए शार्प कोड की बात हो रही है। यहाँ पे अगर ए शार्प आप प्ले करोगे कोड, ठीक है, तो उसमें दो स्ट्रिंग म्यूट होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी फिफ्थ और एक होगी हमारी सिक्स्थ। क्यों? क्योंकि हमारा ए कोड के अंदर ए नोट नहीं आता, ए शार्प कोड के अंदर हमारा ए नोट नहीं आता और एक हमारा नहीं आता ई, ठीक है, इसलिए हमारा ये दोनों म्यूट करना बहुत जरूरी है। आपको दिख रहा होगा ये मैंने अपने थंब से म्यूट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम माइनर लगाएंगे नीचे का, तो माइनर में भी हमारी ये हो गया ए शार्प माइनर हाफ में, बार में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बार में भी अगर हम लगाएंगे तो हमारी सिक्स स्ट्रिंग फिर भी म्यूट होती है, ठीक है। अगर हम नीचे में लगाएंगे तो हमारी दो स्ट्रिंग म्यूट होगी, इतना ध्यान रखना, नीचे भी हमारी दो स्ट्रिंग म्यूट होगी, हमारी सिक्स और फिफ्थ, ए और ई, ये दोनों म्यूट होगी, बाकी हमारा अब मैं इसको अगर मैं इसको म्यूट नहीं करूंगा फिफ्थ और सिक्स को, तो देखो कैसे साउंड आई है,
इन दोनों की साउंड बहुत अजीब सी लग रही है, बहुत गंदी सी, ठीक है। अगर हम इनको म्यूट कर देंगे तो ठीक है। तो इसलिए ऊपर, अगर आप ऊपर में प्ले कर रहे हो मेजर माइनर तो हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग म्यूट होगी, अगर आप ए शेप की कोड में चल रहे हो तो हमारी दो स्ट्रिंग म्यूट होगी, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।